स्वागत है आप लोगों का आपके अपने एजुकेशनल चैनल होम साइंस विद पूजा में, जिसमें हम चल रहे हैं सीडी की तरफ, यानी चाइल्ड डेवलपमेंट यानी ह्यूमन डेवलपमेंट, जिसका चेंज हो गया है नाम। और आज हम बात करेंगे मोटर डेवलपमेंट के बारे में। और यहाँ से जो है, मैं आपको पहले ही बता दूँ कि नेट जो है, नेट का एग्ज़ाम जो है, इसमें जो है अरेंज करने के लिए आता है। तो ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, वैसे सारे टॉपिक इम्पॉर्टेंट है, नेट के लिए स्पेशली इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। इसके अलावा जो कुछ टर्म्स हैं इसमें से, वो आपके होम साइंस से रिलेटेड सारे ही कॉम्पिटिशन एग्ज़ाम में कई बार पूछी गई है और रिपीटेडली पूछी भी जा रही है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। मोटर डेवलपमेंट का मतलब होता है मांसपेशीय विकास, यानी बच्चे की मांसपेशियों का विकास किस तरह से हो रहा है। बच्चे का विकास जो है लगातार चलता रहता है, हम सभी जानते हैं। बच्चा जब यूनिवर्स में आता है तो एक जैविक प्राणी होता है, धीरे धीरे करके उसका विकास होता है, उसकी मांसपेशियाँ, उसकी सेल, मतलब गर्भधारण से ही बच्चे का विकास शुरू हो जाता है। सेल जो है वो डिवाइड होती जाती है और बच्चा बनता है। यूनिवर्स में आने के बाद में बच्चे के अलग अलग विकास होते हैं, इसमें एक मोटर डेवलपमेंट भी है। तो मोटर डेवलपमेंट का मतलब है मांसपेशीय विकास, यानी संपूर्ण मांसपेशियों का विकास, जैसे कि पैर, हाथ है, सिर है, आँखें, इन सबकी मांसपेशियाँ जो हैं उन सभी का विकास, नाड़ी का विकास, ये सारी चीज़ें जो हैं मोटर डेवलपमेंट के अंतर्गत आती हैं। तो बात कर लेते हैं, पहले ही जो लाइन है उसमें आप देख सकते हैं परिपक्वता, यानी बच्चे की जो मांसपेशियाँ हैं, सारी मांसपेशियाँ शरीर की, नाड़ी है, हाथ पैर है, इन सभी में जो है डेवलपमेंट ही क्या कहलाता है, मोटर डेवलपमेंट कहलाता है। टाइप्स ऑफ मोटर डेवलपमेंट, मोटर डेवलपमेंट जो है टू टाइप्स का होता है। पहला होता है स्थूल और दूसरा होता है सूक्ष्म। स्थूल का मतलब होता है बड़ी मांसपेशियों का जो विकास है उसमें जो है आपका क्या आ जाएगा, जैसे कि बड़ी मांसपेशियों में आपका आ जाएगा विकास, जैसे कि हाथ पैर है, इसमें हाथ पैरों का विकास आ जाएगा, चलना, दौड़ना, भागना, ये सारी चीज़ें जो हैं स्थूल डेवलपमेंट के अंतर्गत आएंगी। बड़ी मांसपेशियाँ, जैसे कि बच्चा जो है अगर कोई चीज़ भी पकड़ता है तो क्या करता है, हाथ से पकड़ता है इस तरह से, ये क्या है, उसकी बड़ी मांसपेशियों का विकास हो रहा है। छोटी मांसपेशियों में आपकी जो अंगुलियाँ हैं उनका विकास है, पैरों की अंगुलियाँ हैं उनका विकास है, ये सब चीज़ें इसमें आती हैं। सूक्ष्म के अंतर्गत जो है छोटी मांसपेशियों का विकास होता है, जैसे कि पैर, हाथ की अंगुलियाँ हैं, और इसमें क्या क्या आ जाएगा, आपका लिखना आ जाता है, ड्राइंग आएगा, मोती पिरोना, ये जो है इम्पॉर्टेंट है, फर्स्ट ग्रेड में पूछा गया है ये क्वेश्चन, मोती पिरोना कौन सा मोटर डेवलपमेंट है, ये आपका सूक्ष्म मोटर डेवलपमेंट है, और ये 2.5 वर्ष का बच्चा जो है सीखता है। एक चीज़ और यहाँ पर ध्यान रखने वाली है, डेवलपमेंट बच्चे में हो रहा है पर अगर आप उसको सिखा नहीं रहे, जैसे कि चलना, दौड़ना, भागना, इवन जो है मम्मी टॉयलेट ट्रेनिंग वगैरह है वो भी मम्मी देती है बच्चे को, तो हर चीज़ के लिए, हर काम के लिए बच्चे को ट्रेनिंग दी जाती है, तभी वो बच्चा सीखता है। 2.5 वर्ष का बच्चा अगर हो गया है और आपने उसको मोती पिरोना सिखाया नहीं, माला पिरोना सिखाया नहीं, तो फिर वो नहीं सीखेगा, वो नहीं कर पाएगा, क्योंकि उसको सिखाना पड़ेगा। यहाँ पर ये बात है कि उसमें इतनी परिपक्वता आ जाती है कि वो इस चीज़ को सीख सकता है, पर उसको सिखाना हमें ही पड़ता है। तो दोनों चीज़ें ये आप रिलेट करके चलें कि बच्चे की जो मांसपेशियाँ हैं उनमें परिपक्वता आ जाती है, परंतु उनको सिखाना हमें पड़ता है, जो भी उसके केयर टेकर है उसके साथ में, उनको वो चीज़ें उसको सिखानी पड़ती है, लिखना, भागना, दौड़ना, चलना, लैंग्वेज का डेवलपमेंट, उसमें भी मम्मी परिवार से ही बच्चा सीखता है, मम्मी पापा कैसे बोल रहे हैं, परिवार के लोग कैसे बोल रहे हैं, सब चीज़ें इसमें देखी जाती है। इसमें क्या है, लिखना, लिखने में बच्चा 1 से 1.5 वर्ष में बच्चा लिखना सीख जाता है, परंतु ये क्या होता है, अस्पष्ट रूप से लिखता है बच्चा, क्या करता है, ये यहाँ पे हम लिख देते हैं, अस्पष्ट रूप से लिखता है, मतलब बच्चा जो है पेंसिल को इस तरह पकड़ता है और जो है पेपर जो है उस पर इस तरह से लाइनें घसीटते हुए लिखता है। आपने देखा भी होगा इस एज के बच्चे जो है दीवारों पर भी लाइनें वाइने खींचना, ड्राइंग बनाना, ये सब चीज़ें चलती है। तो ये चीज़ें जो अस्पष्ट रूप से लिखना सीखता है वो 1 से 1.5 वर्ष में, और ये भी उसको लिखना माता द्वारा सिखाया जाता है, उसको पेंसिल पकड़ना,
जब बच्चा इस तरह से पकड़ रहा है तो धीरे धीरे करके उसको बताया जाता है, बेटा आप इस तरह से पकड़ो, इस तरह से पेंसिल को चलाओ। ग्रिप जो है बच्चे की पेंसिल पकड़ने की, वो जो है 3 वर्ष तक आती है, तभी जो है बच्चे का एडमिशन भी स्कूल में जब करवाया जाता है तो बच्चे को सिर्फ जो है इस तरह की लाइनें, ये वाली स्टैंडिंग और स्लैंटिंग लाइनें वगैरह जो है, स्टैंडिंग और स्लैंटिंग लाइनें, ये सब चीज़ें सिखाई जाती है, क्योंकि बच्चा जो है उसका विकास अभी हो रहा है, मांसपेशी विकास हो रहा है धीरे धीरे करके, तभी उसको जो है ये लाइनें वगैरह सिखाई जाती है। आपने देखा होगा हम घर में अगर बच्चे होंगे तो ये इस तरह से हम उनको पॉइंट करके देते हैं तो वो बच्चा उसको मिलाना सीखता है धीरे धीरे करके। कोई आप डाई कोई कुछ भी आप फ्लावर का कुछ कर रहे हैं तो उसको फिर वो धीरे धीरे उसको मिलाना सीखता है। और ये सारी चीज़ें जो है कब तक हो जाती है, 3 से लेकर 4 वर्ष तक का बच्चा जो है ये सारी चीज़ें करने लग जाता है। तो मोती पिरोना यहाँ पर इम्पॉर्टेंट है, किसी भी वे में पूछा जा सकता है कि मोती पिरोना मोटर डेवलपमेंट जो है बच्चे में कब विकसित होता है, 2.5 वर्ष में होता है, और ये किस तरह का मोटर डेवलपमेंट है, सूक्ष्म डेवलपमेंट। अब हम बात कर लेते हैं मोटर डेवलपमेंट, यानी इसको हम हिंदी में क्रियात्मक विकास बोलते हैं, इंग्लिश में आप ध्यान रखेंगे तो आपको थोड़ा एडवांटेज मिलेगी, ज़्यादा अच्छा रहेगा, तो इंग्लिश में थोड़ा ज़्यादा ध्यान रखिए। एडवांटेज क्या है क्रियात्मक विकास यानी मोटर डेवलपमेंट की, एक मिनट आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। आप स्क्रीनशॉट साथ साथ लेते रहिए क्योंकि क्लास जो है फिर अगर मैं दो थोड़ा थोड़ा टाइम आपको दूं बीच बीच में 10-10, क्योंकि स्क्रीनशॉट तो एक मिनट का काम होता है, फटाफट ले सकते हैं। और वैसे जो है कोशिश करूँगी कि ये जो मैं लिख रही हूँ बोर्ड पे वो आपको लिखित रूप से जो नोट्स वगैरह है वो भी प्रोवाइड करवा सकूँ। तो मोटर डेवलपमेंट यानी क्रियात्मक विकास, क्रियात्मक विकास मोटर डेवलपमेंट होता क्या है वो तो आप जान चुके हैं, अब इसकी एडवांटेज क्या है ये देखते हैं। पहला है सिर से पैर यानी सफेलोकार्डल और प्रॉक्सिमो डिस्ट्रिल, ये दोनों चीज़ें हमने पहले भी देखी थी, पढ़ी भी थी, इसमें विकास किस तरह से होता है ये जान लेते हैं। सिर से पैर की ओर यानी आप जान रहे हैं सिर से लेके पैर तक का जो डेवलपमेंट है वो यहाँ पर इसमें आ जाएगा, और ये इम्पॉर्टेंट है और एग्जाम में कई बार पूछा गया है। यहाँ पर क्रम क्या रहता है इसका, पहले सिर, आपका जो सिर है पहले बच्चा क्या करेगा सिर को उठाना सीखेगा, उसके बाद वो मुख जो है मुख के अंदर आपके बच्चा जो है वो आंखों को उठाना सीखेगा, मतलब जन्म के 4 हफ्ते बाद जो है बच्चा प्रकाश को देख के आंखें बंद करने लग जाता है, आंखों में उसको मतलब कुछ घूम रही है चीज़ तो उसके सामने भी वो अपनी आंखों को टिकाना सीख जाता है। इसीलिए जो बच्चे का झूला वगैरह होता है उसमें ये घूमने वाले इस तरह के खिलौने लगाए जाते हैं ताकि बच्चे के जो देखने की क्षमता है और अच्छे से विकसित हो सके। मुख जो है यहाँ पे आंखें घुमाना सीख जाएगा, गर्दन को ऊपर उठाना सीख जाता है, पीठ जो है करवट पलटना सीख जाता है, और पेट में पीठ से लेके करवट की ओर जो है लेना सीख जाता है। पहले पीठ में तो ये क्या करेगा करवट पलटना सीख जाएगा, ठीक है, पेट में ये क्या करेगा पीठ से लेके पेट तक की करवट लेना सीखता है। और आपने देखा होगा 3 माह का बच्चा जो है करवट लेने सीख जाता है, और उसका ध्यान भी बहुत ज़्यादा रखना पड़ता है, घरों में भी देखा होगा आपने तकिए वगैरह लगा के जो है उसको छोड़ना पड़ता है, कई बार बच्चा जो है पलंग से गिर भी जाता है, ये चीज़ें हमें इस समय ध्यान रखनी पड़ती है। और स्पेशली इस एज में जो है बच्चे को कोशिश की जाती है कि पलंग पे ना लिटाया जाए, दरी वगैरह नीचे बिछा के गद्दा नीचे बिछा के जो है लिटाया जाता है ताकि बच्चे के गिरने का डर नहीं रहे। हाथ और पैर ये उठाना सीख जाता है। अब ये वाला जो है नेट में इम्पॉर्टेंट है, नेट में आ चुका है, ये अरेंज करने के लिए कई बार आ चुका है, तो इसका एक ट्रिक है जो कि आप इससे इजीली इससे लर्न कर लेंगे, और इसके जो इंग्लिश नेम है वो आप याद करके रखिए क्योंकि हिंदी है जो चेंज हो जाती है कई बार, और फिर आप कंफ्यूज हो जाते हैं वहाँ पे कि ये क्या हुआ, हमने तो ये पढ़ा था पर आया ये है क्या हुआ। इसको क्या कहते हैं, लोको मोटर डेवलपमेंट, चलना, बच्चे का स्टैंडिंग, खड़ा होना, इसके किस तरह से अरेंज करने के लिए आ जाता है कि किस तरह से व्यवस्थित कीजिए लोको मोटर डेवलपमेंट किस तरह से होगा। यहाँ पर इसकी ट्रिक है RHCCH, RH फैक्टर हमने पढ़ा हुआ है, RH फैक्टर, RH
के बाद में आप दो डबल सी और एस कर दीजिए, आर एच सी सी एच, दो तीन बार इसको आप रिपीट करेंगे तो लर्न हो जाएगा। मैंने भी इसको इसी तरह से लर्न किया था, आर एच सी सी एस, आर एच सी सी एच, आर एस आर एच सी सी एस, आर एच फैक्टर तो हमें पता ही है, आर एच सी सी एस, इस तरह से। आर से क्या हो गया, रोलिंग, लुढ़कना, लुढ़कना बच्चा जो है 4 माह में सीख जाता है। अभी आपको बताया 3 माह से लेके 4 तक जो है बच्चा लुढ़कना सीख जाता है, इसीलिए डर रहता है कि कहीं गिर ना जाए। रोलिंग, आर से क्या होगा, लुढ़कना यानी रोलिंग। हिचिंग, हिचिंग यानी खिसकना, 6 माह में बच्चा खिसकना शुरू कर देता है, पलंग से उतरना शुरू कर देता है, खिसक खिसक के जो है पलंग से, मतलब यूं पूरा तरह से नहीं, परंतु ये अगर आप थोड़ा सा भी उसका ध्यान ना रखें तो पलंग से गिर भी सकता है। क्रोलिंग, क्रोलिंग यानी घिसकना, घिसकना यानी 4 से 5 दोनों चीज़ें आ जाएंगी, 4 और 5 दोनों या ध्यान रखिए आप, ये 4 से 5 से लेके 9 माह तक जो है बच्चा क्रोलिंग करने लग जाता है, क्रोल करने लग जाता है इस तरह से। क्रिपिंग यानी क्रिपिंग जो है 9 माह में होती है, और स्टैंडिंग ये 18 माह में खड़ा होना सीख जाता है धीरे धीरे करके। तो हमें क्या याद करना है, आर एच सी सी एस यानी रोलिंग, आर से रोलिंग, एस से हिचिंग, सी से क्रॉलिंग, और एक और सी है उससे क्रिपिंग आएगा, और एस से क्या आ जाएगा आपका, स्टैंडिंग आ जाएगा। तो ये आपको, मुझे उम्मीद है कि आपको ये जो सारा जो व्यवस्थित हमने करके दिया है वो आपको एकदम अच्छे से लर्न हो जाएगा। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए और फिर आगे दूसरे टॉपिक पर बढ़ते हैं। है वो हम देख लेते हैं, सिर, सिर की ओर, ये भी नेट में भी पूछा गया है और आपके कंपटीशन एग्जाम जो होम साइंस से रिलेटेड है, सी टेट वगैरह, आप एक चीज ध्यान रखिए, सी टेट में जो है ये सी डी से बहुत सारे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, सी टेट वगैरह के जो एग्जाम दे रहे हैं वो आप ये ध्यान रखिए, क्योंकि बाल विज्ञान, इसमें बाल मनोविज्ञान विकास ये चीजें आती हैं, तो ये चीज़ ध्यान रखें आप, ये सी टेट में भी पूछा जाता है। और इसके बाद में हम बात कर लेते हैं सिर के क्षेत्र में। अब सिर के क्षेत्र में जो है किस किस एज में बच्चे में डेवलपमेंट होता है वो हम याद देख लेते हैं। वैसे अगर आपके घर पे बच्चे हैं या बच्चे नहीं भी, आपने आस पड़ोस में भी देखा, तो आप रिलेट कर करके भी इसे इजीली कर पाएंगे। नेत्रीय अनुगमन, पहला है नेत्रीय अनुगमन। नेत्र अनुगमन का मतलब होता है दोनों नेत्र जो है, हमारी जो दोनों आंखें हैं उनका आपस में संयोजन, आपस में संयोजन। नेत्र अनुगमन मतलब बच्चा जब पैदा होता है तो उसके आंखों में अनुगमन, उनके दोनों आंखों में एडजस्टमेंट नहीं होता, एक आंख कहीं देख रही होती है, दूसरी आंख कहीं, कई बार जो है ऐसा, अगर कोई नया नया हो, किसी को पता नहीं हो, तो वो तो ये भी उसको यूँ लगने लगता है कि कहीं बच्चा बहंगा तो नहीं है, देख तो पाएगा ढंग से, लेकिन ये सारे बच्चों में होता है। बच्चों के नेत्रीय अनुगमन जो है जन्म के समय नहीं हो पाता, 4 हफ्ते बाद जो है बच्चा नेत्रीय अनुगमन सीख करना सीख जाता है। इसके बाद में सामाजिक मुस्कान, जो कि क्वेश्चन इम्पॉर्टेंट है और हम कई बार इसके बारे में डिस्कस कर चुके हैं, सामाजिक मुस्कान कब आएगी, 3 माह में। अगर आपके पास 4 3 है, 3 माह तक तो 3 पे ही टिक लगाना है, अगर 3 माह नहीं दिया हुआ है तो आप 4 माह को ढूंढेंगे। इसके बाद में नेत्रों का समन्वय, नेत्रों का समन्वय, नेत्रों का समन्वय यानी दोनों आंखों को एक साथ से समन्वित करके बच्चा एक तरफ देखना जो है कब सीखेगा आपका बच्चा, जो है 4 माह में सीख जाता है। इसीलिए जो है सामाजिक मुस्कान भी जो है 3 से 4 माह में बताई गई है। सामाजिक मुस्कान यानी बच्चा अपनी माँ को देखकर किस तरह से मुस्कान कर रहा है, घर वालों को देखकर, वो सब चीजें इसमें आ जाएंगी। अब यहाँ पर इतना जो पार्ट था आपका, ये सारा का सारा इम्पोर्टेंट है, और ये आप याद रखिए, नेत्रीय अनुगमन 4 हफ्ते 4 सप्ताह में आ जाता है बच्चे में, सामाजिक मुस्कान 3 माह में देखेंगे, अगर 3 माह नहीं है तो 4 माह पे टिक लगेगा, नेत्रों का समन्वय 4 माह में आ जाएगा।
उसके बाद में हम बात करते हैं सिर को संभालना। सिर संभालना, सिर संभालना कैसे? बच्चा जब जन्म लेता है तो आपने देखा होगा, अगर आप उसका सिर सही तरीके से ना पकड़े तो सिर जो इधर से उधर लुढ़कता जाता है, हाथ पैर भी लुढ़कते जाते हैं। क्यों? क्योंकि बच्चे की जो सिर है, गर्दन है, उसमें अभी इतनी परिपक्वता नहीं आई है कि वो एक तरफ जैसे हम अभी सही से रख पा रहे हैं, बच्चा नहीं रख पाता है। ये जो चीज़ें हैं उसमें किस तरह से आ पाती हैं, सिर को संभालना वो किस किस एज में किस किस तरह से सीखता है वो हम देख लेते हैं। लेटने पर सिर को संभालना जो है बच्चा 1 माह में सीख जाता है, लेकिन अगर आप उसको गोद में ले रहे हैं तो वो उसका सिर इधर उधर होगा, वो ये चीज़ जो है 3 माह में इसकी आ जाएगी। 3 माह में बच्चा सिर को संभाल पाता है, 3 से 4 माह। ये जो है ऐसा नहीं है, जनरली आपको बता रही हूँ, इन जनरल जो है 4 माह भी हो सकता है। ये बच्चे की परिपक्वता मेच्योरिटी पे ये डिपेंड करता है कि बच्चा किस तरह से विकसित हो रहा है, पर 3 से 4 माह में बच्चा जो है अपना सिर संभालना सीख जाता है। बैठने पर वो 4 माह में बैठा के, मतलब बैठने पर यूँ नहीं कि बच्चे को बिठा दिया, आप उसको गोद में ले रहे हैं और वही चीज़ है, गोद में ले रहे हैं तो क्या है, सिर को वो 4 माह, 3 से 4 माह में संभालना सीख जाता है। अब धड़ के क्षेत्र में किस तरह से विकास है होगा ये चीज हम देख लेते हैं। स्क्रीनशॉट आपने ले ही लिया होगा। धड़ को संभालना, धड़ यानी ये वाला जो हिस्सा है हमारा, सिर के बाद वाला जो हिस्सा है इसको हम धड़ कहेंगे। धड़ यानी करवट लेना जो है वो 2 माह में सीख जाता है। करवट लेना 2 माह में, ये इम्पॉर्टेंट नहीं है पर आप इसको याद रखिए, ये एग्जाम में नहीं पूछा गया है पर आपको ये ध्यान रहना चाहिए। ये सब चीज़ें कई बार जो है अरेंज करने के लिए भी आ जाता है। ये पीठ से करवट लेना जो है 4 माह में, डबल कर दीजिए जस्ट, जो है करवट लेना 2 माह में, पीठ से करवट लेना जो है 4 माह में वो सीख जाएगा पूरी तरह से जो है करवट लेना। अगर आप बच्चों वाले घर में, तो हम खुद ही रिलेट करके समझ जाते हैं कि हाँ ये चीज़ होती है, तो ये आप रिलेट कर करके इसको लर्न करेंगे तो आपको इजीली हो जाएगा। अब जो है ये चीज़ें हमने देख ली, अब जो है भोजन, भोजन संबंधी चीज़ें देखनी है हमें कि भोजन से रिलेटेड बच्चा किस तरह से, ये इम्पोर्टेंट वाला आपने नोट डाउन जरूर कर लिया होगा। तो भोजन संबंधी विकास, तो 6 माह में, एक मिनट पैन चेंज करिए, 6 माह में बच्चा क्या करता है, 6 माह में अपनी बॉटल जो है, दूध की बॉटल जो है पकड़ना सीख जाता है। यहाँ पे दूध लिख लीजिए, दूध, दूध की बॉटल, दूध की बॉटल पकड़ना सीख जाता है, पकड़ना सीख जाएगा। आप उसको पकड़ा देंगे तो पकड़ लेगा, 8 माह में पकड़ लेगा लेकिन उससे गिर भी जाएगी, लेकिन 8 माह में बच्चा जो है दूध को पकड़ कर, दूध की बॉटल को पकड़ कर पी लेता है आराम से। और 9 से 10 माह में बच्चा बॉटल मुंह में डालना और निकालना ये सीख जाता है।
इसी वजह से 6 माह का जब बच्चा हो जाता है तो उसको एप्रन वगैरह पहनाई जाती है ताकि उसके कपड़े गंदे ना हो। तो बच्चा जो है 9 से 10 माह में क्या कर लेता है, वो अपने बॉटल को निकालना करना सीख जाता है। लिखने का हमने देख ही लिया कि 1 वर्ष में बच्चा जो है अपने अस्पष्ट जो लाइनें खींचना शुरू कर देता है, दीवारें वगैरह वो भी वो गंदी करना शुरू कर देता है। और पाँव में कौशल हमने देख लिया था, 8 माह में बच्चा जो है सहारे से खड़ा होना सीख जाता है। 8 माह में पाँव का कौशल 8 माह में सहारे से खड़ा होना सीख जाएगा। और 2 वर्ष का बच्चा तिपहिया, ये क्वेश्चन पूछा हुआ है, तिपहिया साइकिल चलाना सीख जाता है। वो साइकिल जो हमने भी चलाई होगी बचपन में, 3 पहिए वाली साइकिल होती है, बच्चों को दिलाई जाती है चलाने के लिए, तो ये जो साइकिल है ये 2 वर्ष का बच्चा जो है चलाना सीख जाता है धीरे धीरे करके। और मोती पिरोने वाला जो है वो पूछा गया है। अब हम बात कर लेते हैं मतलब एक बार हम इसका स्क्रीनशॉट ले लें, उसके बाद आप लोग ले लीजिए स्क्रीनशॉट, फिर आपको आगे बताते हैं। जी है वो है बच्चे में मतलब मोटर डेवलपमेंट है वो प्रभावित किससे होता है, मोटर डेवलपमेंट को प्रभावित करने वाले तत्व, पहला वातावरण है, पहला तो हमें पता ही है वातावरण है, वातावरण मतलब जैसा एटमॉस्फेयर बच्चे को मिलेगा उतनी जल्दी उसका मोटर डेवलपमेंट होगा। वातावरण अच्छा नहीं है, उसको मारता है, उसको खड़े ही नहीं होने दे रही है, नीचे नहीं जाने की बच्चे को, कहीं ठंड ना लग जाए, कहीं उसके पैर ना जल जाए गर्मी में, अगर वो ये सब चीज़ें नहीं करेगा तो उसका डेवलपमेंट नहीं हो पाएगा। बच्चे जितना ज़्यादा मिट्टी में खेलते हैं, जितना ज़्यादा गिरते पड़ते हैं, उतनी जल्दी उनका विकास जल्दी होता है। तो अगर हम उसको ये वातावरण दे ही नहीं रहे हैं तो उसका विकास लेट होगा। दूसरा वंशानुक्रम में अगर मतलब हमने ये चीज़ देखी थी गर्भाधान में बच्चे में 7 पीढ़ियों का असर आ जाता है। अगर मान लीजिए आपकी पीढ़ी आपके घर में किसी दादा नाना या कोई भी जो बड़े लोग थे उन वो देर से चलना सीखे थे या कुछ भी ऐसा है तो वो बच्चे में भी चीज़ें आ जाती हैं। और तीसरा है टाइट कपड़े पहनाना, अगर आप बच्चे को टाइट कपड़े पहना रहे हैं तो भी उसका जो मांसपेशियां यानी मोटर डेवलपमेंट है वो भी विकसित नहीं हो पाएगा सही से, क्योंकि जो टाइट कपड़े हैं वो इस चीज़ को रोक देते हैं। प्रोत्साहन मतलब आप उसको मोटिवेट ही नहीं कर रहे हैं चलने के लिए दौड़ने के लिए प्रोत्साहित ही नहीं कर रहे हैं तो बच्चा जो है जल्दी से उस चीज़ को नहीं सीख पाएगा। इसके बाद में है अगर कोई बच्चा लेट चल रहा है, नहीं चल पा रहा है, खड़ा नहीं हो पा रहा है, लेकिन हम उसको बार बार बोलने जा रहे हैं, उसकी आलोचना कर रहे हैं, तो वो बच्चा जो है उसमें कुंठा आ जाती है और वो नहीं चल पाता है फिर। और इसके बाद में मंद बुद्धि वही है, वंशानुक्रम के कारण ही होता है ये सब। बच्चा शुरू से ही मंद बुद्धि है, धीरे धीरे मंद बुद्धि बच्चे जो हैं वो धीरे धीरे सीखते हैं, बहुत मुश्किल से सिखाना पड़ता है उनको, उनका IQ लेवल लो होता है इस वजह से। तो ये आपने उम्मीद है आपको ये क्लास बहुत अच्छे से समझ में आ गई होगी, ये इम्पॉर्टेंट चीज़ें आपने नोट डाउन जरूर कर ली होगी। और आज की क्लास में जो है हम कंप्लीट आज की हमारी हो गई है, कल हम बात करेंगे कुछ टर्मिनोलॉजी के बारे में। तो आज की क्लास में नहीं और कल हम बात करेंगे कुछ टर्म्स के बारे में जो कि आपके नेट में पूछी जाती है, साथ ही अगर आपको ये टर्म याद रखी रहेगी तो आपके जो कॉम्पिटिशन एग्ज़ाम है उसमें भी आपको काफ़ी जो है फ़ायदा होगा। फर्स्ट ग्रेड वगैरह में कई बार पूछ भी लिया जाता है कि इसका मतलब क्या है, कई बार हम समझ नहीं पाते ये क्या हुआ, इसमें क्या ये ऑप्शन, कई बार जो है चीज़ कोई टर्म है उसको हम समझ भी लें तो भी हम आंसर इजीली उसका दे पाते हैं।
तो कल की क्लास में हम बात करेंगे टर्मिनोलॉजी के बारे में, जो कि नेट में स्पेशली पूछी जाती है और होम साइंस से रिलेटेड जितने भी एग्जाम हैं उनमें भी पूछी जाती है। अभी एक चीज़ ध्यान रखिए, ये जो क्लासेस अभी चल रही हैं वो होम साइंस से रिलेटेड सभी एग्जाम में जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट है एग्जाम के लिए। सीटेट है, फर्स्ट ग्रेड है, नेट JRF है आपका, और भी कई सारे एग्जाम होते हैं उनके महिला पर्यवेक्षक है वो भी, तो वो चीज़ आप ध्यान रखिए। और होम साइंस से रिलेटेड है तो कहीं ना कहीं तो पूछी ली जाती है। व्यावहारिक जीवन भी हमारे लिए इसमें, व्यावहारिक जीवन में भी ये जरूरी होता है। होम साइंस ऐसा सब्जेक्ट है जो कि हम अप्लाई कर सकते हैं अपने व्यावहारिक जीवन में भी। तो चलिए आज की क्लास को यहीं पर एंड करते हैं, और आप इसी तरह से बने रहिए आपके अपने एजुकेशनल चैनल होम सेंस विद पूजा के साथ, जिसका मूल मंत्र है ऑलवेज सक्सेस। मिलते हैं कल की क्लास में। थैंक यू सो मच।